दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल उद्यत पे। दोस्तों बताना चाहेंगे, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे सामने एक नोट्स आया हुआ है और ये बता दें व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आया हुआ है। सदे ईपीएस 95 पेंशन धारक भाइयों व बहनों, दुर्बल को न सताइए ताकि मोटी हाय मुई खाल के श्वास सार भजम हो जाए। हमें बिल्कुल भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पवित्र व सार्वजनिक हित का एक ही उद्देश्य है, हमारे पेंशन धारक सदस्यों का प्रभावी रीति से आंदोलन में सहयोग व अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। हमारे सभी नेताओं की जवाबदारी, ईमानदारी व बहादुरी के साथ ही कमांडर साहब की दूरदृष्टि, कुशल व सक्षम नेतृत्व के बल पर हम जीतेंगे और जीतेंगे व जरूर जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं एक मोटिवेशनल जो है आपके लिए, प्रेरणा के लिए है, जो पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आया हुआ है, जो सितंबर के लिए पोस्टपोन हो गया, उसके बाद काफ़ी एक उदासी और निराशा था, जिसके बाद ये अपडेट आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मोटिवेशनल चीज़ है, मोटिवेशनल कुट्स है आप लोग के लिए, जिसमें कि आप ये काफ़ी अच्छी तरीके से बताया जा रहा है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है और हम जरूर सफल होंगे। ईपीएस 95 पेंशनर जो है कंटिन्यूअसली संघर्ष कर रहे हैं और आप देख सकते हैं एक मिनिमम पेंशन रिक्वायरमेंट के लिए वो अपने प्रयास जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी हताशा, उदासा और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर सफलता मिलेगी, ऐसा कहना है ईपीएस 95 लीडर्स का, ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो पेंशनर्स हैं, एनएससी के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा ऐसा कहना है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आप लोग के लिए, एक छोटी सी जानकारी थी। ऐसा करते हैं आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी, राय अपने कमेंट में दीजिएगा। मिलेंगे फिर नए अपडेट, नई जानकारी, नए किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।